यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इनेलो के घमासान को लेकर अब बाकी दलों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अब तक इनेलो के बीच जो खींचतान चल रही थी उसे रियल फाइट के तौर पर समझा और देखा जा रहा था, लेकिन अब इस रियल फाइट को पॉलिटिकल स्टंट भी करार दिया जाने लगा। जी हां, हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की बड़ी नेता झज्जर से विधायक गीता भोकल ने इनेलो में चल रही खींचतान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गीता भोकल ने कहा कि वैसे तो इनेलो की पारिवारिक कलह है, लेकिन पता नहीं अब ऐसा क्यों लग रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। भोकल सुबह झज्जर में आयोजित कार्यक्रम पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रखी थी। इस दौरान गीता भोकल ने कहा कि इनेलो में वास्तव में हाईकमान कौन है, यह समझ से परे है। अगर कोई हाईकमान है तो उसका फैसला क्यों नहीं माना जा रहा, क्योंकि पार्टी हाईकमान की तरफ से नोटिस दिया गया था, लेकिन उसे कोई मानने को तैयार नहीं है। अगर नोटिस सही है तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, इस सबके पीछे क्या सेटिंग है, वो जल्द ही जनता के सामने आ जाएगा। गीता भोकल ने कहा कि लेकिन यह राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने नहीं निभा रहा है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जनता का बीजेपी और लोकदल से मोह भंग हो चुका है। आज 36 बिरादरी एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रखी है। निकट भविष्य में एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पार्टी क्योंकि पारिवारिक ही पार्टी है। अब वो कभी तो ये कहते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह को या फिर इनसो को आप भंग नहीं कर सकते। इनमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका हाई कमांड वास्तव में कौन है। अगर कोई हाई कमांड है तो उसके फैसलों को माना जाए, अगर उनको नोटिस दिया है तो जवाब दिया जाए। नहीं दे रहे हैं तो इनकी क्या सेटिंग है नहीं मालूम, लेकिन आज प्रदेश की जनता इस बात से भी परेशान है कि मुख्य विपक्षी दल जो है वो सही ढंग से अपनी भूमिका निभा नहीं पाया है। जहाँ तक आपने बात की है दुष्यंत चौटाला जी की और इंद्रजीत जी की जो एक मीटिंग हुई है, उसमें देखिए जब भी इस तरह के कोई मामले होते हैं, पार्टी जब टूटने की कगार पे होती है तो इस तरह के समीकरण चाहे वो बनते रहे, इससे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में विशेष तौर से अगर हम देखें कोई ज़्यादा सा अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि आज लोगों ने मन बना लिया है कि उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, जो कि प्रदेश में तरक्की करने की बजाय जो है वो पीछे ले जाने का काम किया।